राम राम भाई, सारा भाई ने मैं आपका भाई कुणाल यादव। तो भाई आज तारीख कितनी है? आज शनिवार है भाई, आज तारीख को पता ना कितनी है। तो आज भाई फेरते हैं, कोकिलावन चल रहे हैं। एक बार पिछले महीने शनिवार न गए थे तो अब फिर प्रोग्राम बन गया। पिछली बार भी वैगनार में गए थे, अब की बार भी भाई वैगनार सीएनजी है, देख लो। ये खड़ी भाई, ये अपने प्रकाश जी, राम राम करते भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। देख लो भाई, गाड़ी खड़ी है, सीएनजी करवा दी फुल। क्या किलो आई भाई? 3.29, 308 रुपये की। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, हेलो। कितनी है, कितनी की दे देगी एवरेज? एवरेज दे देगी भाई 30-31 को आराम से भाई। एवरेज देगी भाई 32-33 की, क्योंकि हम पिछली बार दूसरी थी वैगनार सीएनजी में ही थी, मैंने 32-33 दे दी थी, तो ये अभी देगी यार, ऐसी बात ना है। देख लो सीएनजी। हाँ भाई पहलवान, क्या हाल है? क्या हाल है? लगाते ना टायर। दे हाल ना बता रहा हूँ। बढ़िया है भाई, राम राम कर दे। राम राम। हाँ तो भाई सीएनजी भरवा ली है, अब अंदाजा ले लेंगे कितनी क्या एवरेज दे रही है। तो बाकी रास्ते में पहुँचते मिलेंगे, केएमपी होते हुए चलेंगे, देखते हैं भाई कैसा क्या मिलता है, जाम वाम तो नहीं रहता, और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देते रहेंगे, ठीक है भाई। तो भाई देख लो, फुल डंडे आ चुके सीएनजी के, चल रहे हैं अब केएमपी पे चढ़ेंगे। टाइम देख लो भाई, शनिदेव महाराज, जय हो शनिदेव महाराज। 8 बज गए भाई, करेक्ट देख लो, 8 बजे चले शुभ मुहूर्त, ठीक है भाई। शनि गलत है, 8 बजे। चलो भाई अब पहुंच गए, पहुंचते हैं, बीच बीच में बात करते करते चलेंगे। ये देखो भाई कितनी नजीक तक हाड़ के ले गए, शर्म नहीं है। तो भाईयो के एम पी पे चढ़ लिए है, ये पहला टूल रहा, ठीक है भाई। और किलोमीटर वहाँ जीरो करनी रह गई थी, वहां तो हम लगभग 3-1 किलोमीटर आए होंगे, तो जीरो कर लेते हैं, अंदाजा आ जाएगा। ये देखो भाई जीरो कर दी ट्रिप है, ठीक है भाई। तो अब सारी चीज जो है आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, चलते हैं भाई। तो भाइयों अब देख लो, ये आगरा वाला रोड आ गया, इधर यहाँ पे उतर लेंगे आगे से। किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर दिखा दो, और टाइम गाड़ी वाला ही दिखाऊंगा, गाड़ी में टाइम है थोड़ी सी पीछे, ओरिजिनल टाइम की और 9:26 और गाड़ी में थोड़ा टाइम पीछे भाई, जब ध्यान ना दिया बाद में नवीन भाई ने बताई। ये देखो इसमें 9:11, ठीक है। अब 62 किलोमीटर चले हैं भाई वहाँ तक, अभी हम 9:26 टाइम हो रहा है, पहुँच लेंगे राम राम तक। बाकी पेप्सी पी ले भाई, थोड़ा सा चिप्स कुरकुरा ले ले। ये प्रकाश जी देख लो, बढ़िया फन करते हुए, फोकस मन मरवा रखो है, आसमान में डीजे लाइट लगवा रखी है, अब हवाई जहाज का नेटवर्क ले रही है, हवाई जहाज का रास्ता दिखा रही है वो। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो जाओगी, देख ले, देख ये देख डीजे लाइट बन रही है पूरी भाई, अदा हिसाब किताब है। तो कुंडली 41 किलोमीटर भाई। तो अब थोड़ा सा अपने रुक के फिर चलेंगे सीधा, फिर ना रुका कहीं भी भाई, दर्शन करके फिर वापस जाती है। आप गाड़ी देख लो, ओके बिल्कुल, तू दिख, तू मैंने वीडियो बना लेने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी देर में मिलते हैं भाई। भाई वो आगरा वाले रोड पे चल रहे हैं, ये भी जो रोड है एक नंबर का। हाँ भाई प्रकाश जी। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? एक नंबर कच रोड है भाई, रिश्ता बढ़िया रोड है कोई? नहीं रिश्ता बढ़िया तो बहुत रोड है, पर ये रोड भी बहुत अच्छा है भाई। केएमपी तो देख के, हाँ केएमपी की और इसकी अगर हम बात करते तो बहुत बढ़िया है, मेंटेन कर रखा है भाई पूरा रोड, प्रेस रोड है बिल्कुल, एक नंबर गाड़ी चलाने में मजा ही आया यहाँ पे, कुछ भी बिल्कुल, कहीं ऐसा वो नहीं है कि कहीं पे अगर टूट रहा है या कुछ ऐसी बात है या लाइट की कोई प्रॉब्लम है, हर चीज से बैनी, मतलब बहुत अच्छा है रोड कहने के मतलब बहुत बढ़िया। और भाई किलोमीटर की बात करें तो हमारे 90 किलोमीटर वहां तक जाते शुरू करी थी ट्रिप, जीरो करी थी, अभी 18 किलोमीटर और रह रहा है अपना सफर। तो भाई 18 किलोमीटर हो रहा है पीके के अनुसार, बाकी गाड़ी बढ़िया चल रही है, एक नंबर, 80 स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, पूरा मजा आ रहा है। बाकी देखते हैं कितना टाइम पहुंचते हैं, गाड़ी के अकॉर्डिंग टाइम बताऊं तो 9:43 वैसे 10 बज रहे होंगे, कितना बज रहा है? हाँ बस 10 ही बज गए, ऑलमोस्ट 10, एक मिनट है भाई बस। तो चल रहे हैं भाई, अभी बस टूल टैक्स नहीं आया है, टूल टैक्स के बाद कोसी से वहाँ से राइट लेंगे नीचे उतर के, तो बने रहो भाई, बनाते रहेंगे। अगर वृंदावन से कितनी, वृंदावन वहाँ से कितना दूर रह जाता है? थोड़ा बहुत ही रह जाता है,
20 किलोमीटर रहता होगा ना भाई। ये बता दो अपने भाइयों को जो देख रहे हैं कि भाई वृंदावन से ये जो धाम जो शनि महाराज का मंदिर है कितनी पहले पड़ता है भाई? यार मेरा हिसाब देखो, जो पड़ जाओ अंदर की तरफ हाईवे ताइवे बात करें ना अगर कोशिश है अच्छा, तो 20 किलोमीटर ही रह जाओ शायद। मतलब वहाँ से वृंदावन 20 किलोमीटर आगे है? 20-25 किलोमीटर और आगे है वृंदावन, तो कोकिलान पड़ जाए अंदर की तरफ। अगर आप सैटरडे को प्लान कर रहे हो वृंदावन जाने के लिए तो कोकिलान शनिदेव मंदिर में दिन मारना पड़ेगा फिर। यहाँ दिन में हम तो रात में जा रहे हैं, आप दिन में आओ बढ़िया से धाम के दर्शन करो। या फिर भाई आओ आप लोग फ्राइडे को रात को चलो, ठीक है 10-1 बजे के आसपास, और सुबह सुबह अपने भाई शनिवार को लेके आरती मॉर्निंग 12 बजे के बाद शनिवार ही हो जाता है भाई। हाँ, तो सुबह सुबह की 12-1 बजे जो भी टाइम पहुंचो, 12 बजे पहुंच जाओ तो बहुत बढ़िया है। भीड़ वगैरह भी नहीं मिलेगी इतनी, आराम से अपना आशीर्वाद लो भगवान जी से और अपने घर जाओ आराम से सो जाके। फिर उसके बाद आप वृंदावन का भी अगर टूर प्लान कर रहे हो तो वृंदावन आ जाओ। वृंदावन हाँ, अगर वीक ऑफ रहता है तो सैटरडे संडे दोनों दिन काफी अच्छा प्लान हो जाएगा भाई, ट्रिप बढ़िया, पास पास है सारी चीज, बहुत मंदिर है भाई आस पास यहाँ पे। जो जब कृष्ण भगवान जी ने जब यहाँ पे जन्म लिया था तो आस पास के जो यहाँ पे जा सर्वाइव कर रहे थे तो सारे मंदिर धाम है जिनको लोग भी अच्छे तरीके से नहीं जानते, बट हम जितना हो सकता है उनको कवर करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज आप वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, वीडियो को फैलाएं, जिससे लोग जो आते हैं श्री प्रेम मंदिर को देखने के लिए तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। तो गाइज इतना ही कहना चाहेंगे भाई, 8 तारीख ने फिर वृंदावन आ रहे हैं, पूरा एक्सप्लोर करेंगे भाई बढ़िया तरीके से, बाइक राइड करेंगे। छोटी से छोटी बात है वृंदावन के बारे में जो लोग आ गया टोल किसी भाई की है तो अगली बार से मत करना भाई, ठीक है? मजाक की बात होती है, हम धाम पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल वो शनिदेव चढ़ जाए हमारा आते हुए मारण लग जाओ हम, फिर किसी के फायदा बोल शनिदेव महाराज की जय। तो भाई पहुंच लिए हैं कोकिलान, ये देख लो गेट रहा बाबा जी का, ये रहा ठीक है भाई। 108.5 किलोमीटर टोटल चल रही, टाइम देख लो गाड़ी का हिसाब से 10-12। तो अब दर्शन करवाते रहेंगे आपको, बीच में दिखाते रहेंगे कैसा क्या परिक्रमा रहती है कैसी नहीं। हाँ भाई चप्पल निकाल दे भाई गाड़ी में, गाड़ी में और नंगे पैर मारनी है। ये देखो आज भाई बारिश आई थी, सारा कीच हो रहा है, लेकिन हम समझदार हैं, हमने जो है सही जगह पार्किंग लगाई है। हाँ भाई हाँ ठीक है, हाँ चाबी चुबी निकाल लेने, धरन जूता धरन दे। चलो भाई अब परिक्रमा लगाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे साथ के साथ। लो जी भाई देख लो गेट दरबार, यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर देंगे। बोल शनिदेव महाराज की जय। हाथ धोला भाई पहली, फिर चलते हैं। ये देखो भाई साहब, ये देख भाई अपना नवीन भाई ने तो संगवा लिया लो रूप नहीं ऊपर जने तो शॉर्ट्स पहन रहे हो, देख ले भाई पूरी तैयारी है। एक तो एक कलाकार है, एक शॉर्ट्स मार है, एक जीन्स में है, और हम भाई लोअर मार, अलग अलग वैरायटी है सारी भाई तो दो। ये देखो भाई एक चीज है यहाँ, पानी ही पानी भरा है सारे तरफ। ये यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी जब इधर रास लीला करते थे तो यहाँ पे पानी। अरे तू रे वहाँ थोड़ी यार वहाँ के कह रहे हैं नियर बाई है भाई, वृंदावन ना वो एक और ना है मथुरा। अरे नहीं यार विधि निधिवन निधिवन थोड़ी यार तू देखो भाई सब लाइट बंद आज कई जगह चालू है, बाकी जल्दी परिक्रमा मार देंगे भाई जवान बालक। आज भाई शनिवार ने पी के हाँ भाई थाई की एक्सरसाइज वैसे मार रखी, साथ थड़ और दुख काली की अड़की। मैं तो ये कहता हूँ भाई आओ मन शांत रहेगा, मैं कह रहा हूँ नवीन भाई का मन, नवीन भाई को दिन में बोला था भाई नवीन भाई हम चल रहे हैं, नवीन भाई ने अपना कर दिया और भाई हम आ गए और प्रभु ने बुलाया, तो अपना मन बढ़ाओ प्रभु अपने आप बुला लेंगे। बोल शनिदेव महाराज की जय। जय गौ माता, जय गौ माता। छोटी गैया छोटे छोटे नाम, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो नवीन। देखिए नवीन
एक बार नू चढ़ जा ओ तो नू ही रहे तू कच्चे अनसंग वाया गलो और ने देख भाई पिके यो सब तो नहीं संभाल गन तू दलदल है यो सारी दलदल ही है और कहीं तू एक ऐसी जगह भी आओगे आगे दिखाऊंगा नीचे ही चलो जाओगे तू मैं क्या कह रहा हूँ उतर के देखी अड़को सो तो भाई अपनी तो नू ही चलती रहोगी तम हो जाओगा बोर काम कार मेरे ना भाई कहीं हो जाओ कहीं ना भी हुए नवीन तो गदा दे दी रात में थोड़ी देर में मिलते हैं ना ना भाई परिक्रमा मारेंगे पूरी बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल ये देखो ओके अपना नवीन भाई है नवीन भाई को देख लो भाई मैं कुछ ना कह रहा मैं चलो कान पड़ रहा था मैं तो रहे देख ले ये संगवा के डोर मैं भी संगवा लूं फिर देख ऐसी बात है तो भाई ले तो बढ़िया ही रहो ले भाई जल्दी पूरी कर देंगे 10:30 में था ना टाइम हां 10:30 बजे चालू करी थी भाई 11:05 पे पूरी कर दंगा और बस एक बात है नवीन मन बना लो भगवान के दर पाने का भगवान अपने आप बुला ले हैं मानना बात ने माननी पड़ेगी तेरी बात बिल्कुल माननी पड़ेगी यो देख लो भाई एक और नई वैरायटी लेकर आई है ओए सही भी दिखाओ ना सीकर नींद ठीक है भाई ऐसा फैशन भी कदा कदा ही मिला तुमने बाकी अपनी परिक्रमा चल रही है भाई जो प्रभु के प्रति श्रद्धा है और भगवान की भक्ति है ना वो भाई में नजर आ रही है भाई बिल्कुल साफ यहाँ पे आपको जो है नेचर मिलेगा पर्यावरण बिल्कुल शांत इस टाइम तो बिल्कुल भी देख लो भाई चारों तरफ हरियाली ठीक है भाई और भाई यहाँ पे ये सारी जो है पानी भरा है भाई ये ऊपर ये घास सी है इसमें कदे भी भूल गए पैर मना धर दियो दोनों साइड पानी ही पानी है भाई दिन में मन ना धरियो और नहीं पाओगे ना वह कौन सी फिल्म है वो दलदल में गल जाए ओके रिपोर्ट है भाई बिल्कुल चल रहे हैं टाइम नोट करवा दिया था 10:30 चालू करी थी बाकी पिछली बार तो हमने भाई 35 मिनट में शायद पूरी कर दी थी अब की बार देखो कितना टाइम लगे कोशिश है 30 में बाकी तो बाबा के भरोसे है भाई यहाँ बिल्कुल अंधेरा आ गया दूर दूर तक ये कुछ भी ना भाई खाली पानी घास वास ही तो दिख है देख लो भाई गेट आ चुका है हम भी आ चुके परिक्रमा कर दी है पूरी तो भाई टाइम अब हो रहा है 11 दो हाथ उद धोए तुम लो 11 बजे पूरी कर दी आधे घंटे में हाँ भाई नवीन हेलो कर दी ना आधा घंटा में करेक्ट आधा घंटा में पूरी कर दिया भाई ये भाई देख लो गाड़ी ये इनको इनको बोलते हैं वो वीआईपी वाले हाँ किलोमीटर देख लेते हैं भाई तो भाई ये देख लो यहाँ पे ये कुंड है यहाँ अपने थोड़े से पैर वैर धो लिए भाई अंदर जा रहे हैं देख लो इन्हें भाई बेर हो कितनों गहरो क्यों भाई ये तो गैल गैल बढ़ गो कहती टकाटक हमने बेर होना है हम तो पहली पैड़ी पे ही गया था ये देख लो भाई ये देखो भाई तो अब चलते हैं सीधे अंदर मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं ये अपना भाई नवीन रहे हैं भाई ठीक होगा
बढ़िया दर्शन हो गए ना। ये अपने भाई पी के आज ही प्रकाश जी। हाँ जी बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए जी। चलो जी अब भाई यहीं पे बैठे देख लो, अंदर मंदिर है तो यहीं अपने रोटी खा के पूरी मंगवाई है। पूरी की प्लेट, एक प्लेट में चार पूरी बता रहे, तो पांच पूरी तो खा के देखते हैं क्या कुछ टेस्ट रहता है। एक सब्जी आएगी, अचार आएगा। भाई पूरी सब्जी आ गई है, दो पूरी खा भी ली, आधी बच रही है दो मर के, बाकी कुल मिला के टेस्ट है बढ़िया दोनों चीजें का। भाई कोई कमी ना है ना। हाँ जी सर, बैनू है नवीन, बैनू है नवीन भाई का, ये मिर्ची का अदरक धरी नू लाएगा भाई हाथ में। ये ले भाई मार तेनू का अचार, मग भाई टाड़ कर। अब दूसरा लेके आओगे, देखो भाई कैसा केला है, फिर मिलते हैं अचार के साथ। भाई का आगो बढ़िया अचार, चलने दे चलने दे। हाँ है कि फर्क बढ़िया है। ओके अब भाई अपना नवीन भाई फिल्मी स्टाइल में, ये देखो गेर दी बाल्टी, अब इसको खींचा जाएगा ना, ज्यादा नीचे ना है ये पानी हिल रहा है। गटना चाली, ये देखो भाई गाना रट दिए। ओए इंगा दिखा रे, अरे तू इंगा क्यों कर रहा है ना, दिखा तो। गजबन पानी, ये गजबन पन गट पानी ना चाली है। अरे इसने तो बहुत घणो पानी काट दियो भाई, यो देख तो भाई दर्शन कर का चुका, अब निकल रहे हैं वापस घर की तरफ। बहुत ओके ना, तू मन टाइम दिखा दे, देख लो भाई 12:16 रोटी, वो भी रोटी भी खा ली है यहीं पे, अब नॉन स्टॉप सीधा घर। ठीक है भाई, काफी आराम से मंदिर में थोड़ी देर टाइम भी बिताया हमने, बैठे भी वहां पे शांति प्राप्त हुई। अब चलते हैं भाई सीधा, वो खड़ी अपनी रानी, ये खड़ी। लो जी भाइयों, थोड़ी देर में घर पहुंच लेंगे। मानेसर रह रहा है करीब करीब 30 किलोमीटर, और गाड़ी की बात करें एक बार भाई ट्रिप दिखाइयो, 419 ट्रिप दिखा दे, ट्रिप दिखा दिए रे। अरे वो कर दे तू, क्या करते हूं। अरे ट्रिप 182.4 भाई। ठीक है भाई, यो पूरी 200 कूद जानी चाहिए। और सीएनजी की बात करें तो भाई सीएनजी बताना, 3 डंडे। अच्छा हफ्ते 2 नीचे आ गए तो भाई 3 डंडे सीएनजी के बच रहे हैं। घर तो पहुंचेगी आराम तेरा 3 में पहुंचेगी। हाँ आराम तो जाओगी भाई, बाकी बेरंदाजा लगा लेंगे ये भाई फुल सिलेंडर में कितनी चली। और अभी अपने आराम तक के एमपी पे चल रहे हैं भाई, स्पीड हम 80 मेंटेन करके चल रहे हैं, जाते वक्त भी 80 रखी थी, आते वक्त भी भाई 80, बीच बीच में कभी एसी ऑन कभी बंद, क्योंकि ठंड लगने लग जाती है, मौसम वैसे ठंडा, आज बारिश आई थी इस कारण। बाकी रात को ट्रक चलते हैं यहाँ पे भाई, सावधानी से अपने जो है काम ले, क्यों भाई आराम से चलो भाई, कोई जल्दबाजी मत करना, तो यही है। अब आगे चल चलते आप तो जो है सारी चीजें दिखाते रहे भाई। तो भाई एक बार तो आप तो दिखा दे टाइम, टाइम दिखा दो भाई साहब, 2:51 पे भाई घर पे पहुंच लिए। और किलोमीटर की बात करें देख लो भाई 226। ठीक है भाई, और सीएनजी की बात करें तो 2 डंडे सीएनजी के जो अभी बच रहे हैं। 2 डंडम कितना किलो सीएनजी होगी भाई? 2 डंडम होगी 2 किलो के आसपास। तो टोटल कितनी आएगा रहे? तो ये है भाई देख लो, 226 तो हाल फिलहाल चल चुकी है, मतलब और चलेगी भी तो चल जाएगी 60 किलोमीटर। तो 290 कह सके हाईवे पे, एसी जिसमें की थोड़ी बहुत देर भाई चला भी था बंद भी था, समथिंग रुपए में। अगर दिल्ली से भरवाओगे तो और कम में, बाकी अगर यहाँ तक भरवाओ जहाँ पर रेट 93-94 होगा शायद सीएनजी का, यहाँ पे उस हिसाब से फिर और दिल्ली में और कम पड़ जाए, 1000 रुपए में 300 किलोमीटर मान सके। बाकी भाई बढ़िया 80 की स्पीड मेंटेन करते आए हैं, तो यही था आज का अपना व्लॉग ही कह सके ना, ये तो व्लॉग है और की तो यार, थोड़ी बहुत एवरेज की जानकारी दे दी वैगनार की, और बहुत ही जल्द वैगनार का ओनरशिप रिव्यू।
तो यही थी भाई आज की अपनी वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।